गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। आज हम क्लास थ्री के हिंदी व्याकरण में लिंग विषय में चर्चा करेंगे। लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आइए थोड़ा उदाहरण से समझे कि पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं और माताजी रसोई बना रही है। इन दो शब्दों में दो प्रकार लगाया गया है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है पिता और माता। पिता मतलब पुरुष जाति और माता मतलब स्त्री जाति। इसी को हमको आज विस्तार से पढ़ना है। तो आइए लिंग की परिभाषा जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमको स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे नर नारी, माता पिता, शेर शेरनी, मोर मोरनी, लड़का लड़की इत्यादि, ऐसा बहुत है। तो हमको मालूम है कि कोई भी नाम जो है वो स्त्री जाति का हो सकता है या फिर पुरुष जाति, या फिर लड़का हो सकता है या लड़की, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लिंग के कितने भेद हैं? अब हम जानेंगे इसके भेद। लिंग के दो भेद हैं, एक है पुलिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुलिंग का मतलब होता है पुरुष जाति और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री जाति। पुरुष मतलब मेल, इंग्लिश में हम उसको मेल बोलते हैं। स्त्री जाति मतलब फीमेल। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं कि पुलिंग किसे कहते हैं। जैसे शब्द का जो रूप पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुलिंग कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे नर पिता शेर मोर, इसमें से आप देख सकते हैं कि लिंग की उदाहरण में हम नर नारी माता पिता शेर शेरनी में नर को हमने पुलिंग में लिखा है, पिता को पुलिंग में लिखा है, शेर को पुलिंग, मोर को पुलिंग, मतलब ये सारा जो है यह पुलिंग में आता है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग परिभाषा है कि शब्द का जो रूप स्त्री जाति का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे नारी माता शेरनी मोरनी आदि, इसका पुलिंग है नर इधर नारी, माता पिता इधर माता, शेर इधर शेरनी, मोर इधर मोरनी। आइए और भी कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में कुछ और शब्द जाने। जो कुछ शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बालक बालिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, हिरण हिरणी, हंस हंसनी, धोबी धोबी, माली माली, ग्वाला ग्वाली, राजकुमार राजकुमारी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, बैल गाय, राजा रानी, लेखक लेखिका, दुल्हा दुल्हन, भाई बहन, पुत्र पुत्री, कबूतर कबूतरी, सहपाठी सहपाठिन, चिड़ा चिड़िया, कटोरा कटोरी, नर नारी, चूहा चूहिया, ससुर सास, गुड्डा गुड़िया, घोड़ा घोड़ी, अध्यापक अध्यापिका,
बालक बालिका, शेर शेरनी, चोर चोरनी, छात्र छात्रा, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, विद्वान विदुषी। ये सब जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो सभी बच्चों ये इसकी परिभाषा, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में आपको घर पर पढ़ना है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अभ्यास करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जानेंगे और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट दिन हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना तक कि नेक्स्ट दिन हम इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना तक कि थैंक यू।